फ्रेंड्स वेलकम टू बीएल इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ इंटेंट टू। स्टूडेंट्स इंटेंट टू का प्रयोग हम इरादा है, दिल करता है, मन करता है के सेंस में करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंस है जैसे कि मेरा घर जाने का मन करता है, उसका तुम्हें पीटने का इरादा है, उसका अंग्रेजी सीखने का दिल करता है, हमारा यहाँ रहने का मन करता है, हमारा यहाँ रहने का मन करता है। इस तरह की सेंटेंस आती है स्टूडेंट्स, तो हम किस तरह से बनाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा ये स्ट्रक्चर है उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आ रहे हैं यानी हेल्पिंग वर्ब, इज आ रहे हैं वाच वर्ब यानी कि पास्ट में हम, प्रेजेंट में हम इज आ रहे हैं लगाएंगे। स्टूडेंट्स प्रेजेंट है तो इज आ रहे हैं लगाएंगे, अगर पास्ट है तो वाच वर्ब लगाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद नेगेटिव है स्टूडेंट्स, नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटेंट लगाएंगे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि बराव का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरा घर जाने का मन करता है, आई एम इंटेंड टू गो होम, आई इंटेंड टू गो होम। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से बनाएंगे, आई एम इंटेंड टू गो होम, आई एम इंटेंड टू गो होम, मेरा घर जाने का मन करता है, उसका तुम्हें पीटने का इरादा था, ही वाज इंटेंड टू बीट यू, ही वाज इंटेंट टू, इरादा था उसका बीट पीटने का यू तुम्हें, उसका अंग्रेजी सीखने का दिल करता है, सी इज इंटेंट टू लर्न इंग्लिश, सी इज इंटेंट टू लर्न इंग्लिश, हमारा यहाँ रहने का मन करता है, वी करता है, वी आर इंटेंड टू, यहाँ रहने का मन करता है यानी यहाँ ये स्थाई रहने का मन करता है तो लिव लगाएंगे स्टूडेंट्स, रुकने का मन करता है तो स्टे लगाएंगे, यानी कि यहाँ रहने का, यानी कि हमारा मन का मतलब ये है कि हमारा रहने का यहाँ पे रहने का मन करता है बहुत लंबे समय तक, तो वी आर इंटेंड टू लिव हियर। फ्रेंड्स इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि मेरा इस काम को करने का मन करता है, आई एम इंटेंड टू डू दिस वर्क, मेरा तुम्हें पढ़ाने का मन करता था, आई वाज इंटेंड टू टीच यू, मेरा वहां जाने का मन करता है, आई एम इंटेंड टू गो देयर, मेरा इस किताब को पढ़ने का मन करता है, आई एम इंटेंड टू रीड दिस बुक, मेरा उसे पीटने का इरादा था, मेरा उसे पीटने का इरादा था, आई वाज इंटेंड टू बीट हिम, मेरा उसे मार्केट भेजने का इरादा था, आई वाज इंटेंड टू सेंड हिम टू द मार्केट। स्टूडेंट इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और इंटेंड टू का प्रयोग करके अपनी अंग्रेजी को अच्छी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।